मॉर्निंग स्टूडेंट्स वी हैव कम्पलीटेड एक्सरसाइज टिल पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अवर ग्रामर पार्ट सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ड्स सो यू ऑलरेडी नो दैट वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स और मेन वर्ब्स हमें क्या बताते हैं दैट हाउ हाउ द एक्शन इज बींग परफॉर्म्ड एक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है इससे पता चलता है हमें मेन वर्ब से मेन वर्ब्स हैव मीनिंग ऑफ देयर ओन दे टेलर्स अबाउट द एक्शन दैट हैज़ बीन परफॉर्म्ड लाइक पूजा गेव रोहित अ पेन पूजा ने क्या किया दिया पेन दिया किस को रोहित को साइशाह रैन होम साइशाह भागती हुई घर घर गई तो यहाँ पे हमें बता रहा है वो एक्शन के बारे में ही बता रहा है कि एक्शन कैसे हो रहा है

हेल्पिंग वर्ब्स हैव नो मीनिंग ऑफ देयर ओन दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बट दे डू नॉट टेलर्स अबाउट एन एक्शन तो हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं वो एक सेंटेंस में क्या होता है वो ज़रूरी होते हैं लिखना लेकिन वो हमें एक्शन कैसे हो रहा है ये नहीं बताते हैं वी यूजली यूज हेल्पिंग वर्ब विथ मेन वर्ब हम मेन वर्ब के साथ ही हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं और उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं ही इज़ वॉचिंग टी वी तो वॉचिंग क्या है वॉचिंग इज़ अ मेन वर्ब एंड इज इसमें हो गया क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हेयर इज़ इज़ द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब इज़ वॉचिंग स्मॉल फिश आर ईटन बाय बिग फिश छोटी फिश को कौन खाता है बिग फिश खा जाती है हेयर आर इज़ द हेल्पिंग तो आर क्या है हेल्पिंग वर्ब और ईटन इज़ द मेन वर्ब अपार्ट फ्राम एस आर एम वॉज वर्ड हैज़ एंड है एंड सम अदर ऑगजिलरी वर्ब लाइक तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ग में हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ सकता है कैन कर्ड विल वर्ड शेल शुड एक्जेट्रा दीज ऑगजिलरीज आर कॉल्ड मोडाल ऑग्जिलरीज तो इन सबको अपन इन ऑक्सिलरीज वर्ब को हम मोडाल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं और हम इसे और अच्छे से समझेंगे वाइल्ड डूइंग द एक्सरसाइज को फ़िल करते टाइम हमें और अच्छे से इन दोनों का डिफरेंस अभी समझ में आएगा तो आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ आवर एक्सरसाइजेस